और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। समीक्षा सीरीज का पांचवा लेक्चर है जिसमें हम DPSP के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों जो DPSP से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो पूछे गए हैं 11 प्रश्न, जिसमें 3 क्वेश्चन है नेचर के ऊपर DPSP के, 5 क्वेश्चन है प्रोविजन के ऊपर और अप्लाइड क्वेश्चन है 2। वहीं अमेंडमेंट के ऊपर अभी तक केवल और केवल एक प्रश्न पूछा गया है। तो कुल मिला के 11 क्वेश्चन को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, नेचर बेस्ड, प्रोविजन बेस्ड, अप्लाइड और अमेंडमेंट। तो DPSP में कुल मिला के आपको क्या पढ़ना है कि DPSP का नेचर क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोविजन हैं, उसको अगर हम अप्लाई करें रियल लाइफ में तो उसका क्या क्या उसके अर्थ निकलते हैं, और अभी तक DPSP में अमेंडमेंट होके क्या क्या वर्ड्स क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि DPSP में क्या DPSP किसी के ऊपर लिमिटेशन लगाता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर। तो देखिए इसका DPSP का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल है तो क्या कोई प्रिंसिपल, कोई अगर आपके डायरेक्टिव्स हैं तो वो क्या लिमिटेशन लगाएंगे, नहीं, वो केवल एक तरीके का निर्देश है, दिशा निर्देश है, एक तरीके का डायरेक्शन है कि आपको इस दिशा में काम करना है। बट वो करना है या नहीं करना है वो लाई करेगा सोलली ऑन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आइए जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या डिनोट करते हैं दोस्तों, वो डिनोट करते हैं आइडियल्स को स्टेट के, जो कि स्टेट को रखनी चाहिए ध्यान में जब वो पॉलिसीज बनाते हैं। वहीं जो है ये नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर है, ये UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये जस्टिफाइबल इन सर्टेन कंडीशन है, कैन बी जस्टिफाइड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट इन सर्टेन कंडीशन। तो एक तरीके से इस तरीके से आप जो है इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन जो है UPPCS में भी इस बार आया था कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन्फोर्सेबल इन सर्टेन कंडीशन, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो आप इसको ध्यान में रखें कि ये नॉन जस्टिफाइबल हैं, और इसीलिए ये कहेंगे कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप जो है इनको इम्प्लाई करें, इनको इन्फोर्स करें। वहीं आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि दो ये जो है नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर हैं, मगर जो है ये फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, यानी कि अगर ये इनको फॉलो नहीं किया गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क है दैट विल बी इन डेंजर। तो स्टेट को ये ड्यूटी है स्टेट की, ये इनफोर्सेबल तो नहीं है, बट ये ड्यूटी है किसकी, स्टेट की, राज्य की ये ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाए। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाता है वो ये हो जाता है नाइदर वन एंड नाइदर टू, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करता है, डू नॉट बाउंड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं डीपीएसपी के और इंपॉर्टेंट प्रोविजन को जानते हैं। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इनको डिस्क्राइब किया था द नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं फंडामेंटल राइट के साथ जब इन्हें जोड़ के देखा जाए तो ये क्या बन जाते हैं, बेसिक फिलॉसफी और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाते हैं। फिर विलियम ऑस्टिन ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी, उन्होंने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट को अगर जोड़ दिया जाए तो कंसाइंस बन जाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं दोस्तों वो आइडियल्स डिनोट करते हैं जो कि स्टेट को दिमाग में रखने चाहिए व्हाइल दे फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज और व्हाइल दे मेक एनी लॉ। तो आगे देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो किसको रिजेंबल करते हैं, आज के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है इनम्बरेटेड था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन शायद मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, आप जाके जो इसका पहला लेक्चर है जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जाके देख लें दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन, वेलफेयर स्टेट कहाँ एनश्राइंड है। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक NCERT का छोटा सा डायग्राम जो है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसमें देखिए जो DPSP है वो क्या एम्बॉडी करती है, वेलफेयर स्टेट, जिसे कि आप लोग क्या कहते हैं, रामराज्य भी कहते हैं। तो ये क्या एम करता है, टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी इन कंट्री। तो क्या एस्टेब्लिश करना चाहता है, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी, ये दोनों वर्ड आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इसको लिख के रख लीजिए कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर है और ना ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल नंबर 37 का जिक्र मैं पीछे आपसे कर चुका हूं कि ये फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, और कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 37 के अकॉर्डिंग जो है डीपीएसपी को कंसीडर करेगी कहां, जैसे कि मान लीजिए केशवानंद भारती केस था तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर दिया था, और मान लीजिए कि कहीं पे क्लैशेस इवॉल्व होते हैं कि जो है ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, जैसे कि अभी CAA का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अगर CAA के ऊपर अगर गवर्नमेंट को ये अंडरमाइन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहां पर ये कर सकती है कि डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए इनको इंटरप्रेट कर सकती है CAA में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का एंशन है हमारे डीपीएसपी में, क्योंकि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी में तो यह नहीं सकता। कि एक तरीके से देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता था, वो ऐसे सॉल्व किया जा सकता था कि वेलफेयर स्टेट यानी कि एक ड्रीम है,
अगर ड्रीम को आपको वो करना है तो आप इसके लिए क्या बनाएंगे, एक डायरेक्टिव बनाएंगे। ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या बनेंगे, डायरेक्शन में एक आपको एक डायरेक्शन चाहिए। वो डायरेक्शन कौन देगा, वो डायरेक्शन देगा डीपीएसपी। तो अगर आप बेसिक दिमाग भी लगाएं तो आप ये क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। अब देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस कहां दिया गया है, क्या ये फंडामेंटल राइट में है, क्या ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में है, क्या ये प्रीएम्बल में है, ये किसमें है। तो दोस्तों आपके जो है आप बताइए कमेंट करके क्या है। तो देखिए, मैं जो आपसे बोला था कि एनसीईआरटी का एक डायग्राम हम आपके लिए रखे हुए हैं, तो ये आप बेसिकली इससे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें से मार्क कर लीजिए। तो जब गोल्स की हम बात करते हैं तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यहाँ पे आ गया क्या, आ गया इकोनॉमिक जस्टिस की बात आ गई, ठीक है। और देखिए, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। वहीं जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोविजन ऑफ लिकर, और जो है इंडस्ट्रीज का कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन, स्लॉटर रोकना और प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। वहीं ये जो है नॉन जस्टिफाइबल राइट्स हैं कुछ, जैसे कि एडुकेट लाइवलीहुड और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क और अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो जितनी भी पॉलिसीज आज हमारी हैं, चाहे वो मातृत्व सुरक्षा अभियान हो, चाहे वो और कोई अभियान हो, वो सभी जो है यूपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सब किसको। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री क्या होगा। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर देखिए डीपीएसपी है वो क्या है, वो क्या है, डायरेक्टिव दैट आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जो मैं आपको पीछे बता रहा था। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है, डीपीएसपी हो जाता है। तो दोस्तों ये 2013 का क्वेश्चन था। अब देखिए 2010 का ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज इनकॉर्पोरेटेड इन, नहीं। ये आंसर मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो, बहुत अच्छा लगेगा अगर सभी लोग सही उत्तर देंगे। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम लोग ऐसी सीरीज आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के हम लेके आएँ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किसको रिजेंबल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और B.R. अंबेडकर के शब्दों में मैं आपको बता चुका हूं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो तो उन्होंने कहा था कि नोबल फीचर, इसके अलावा ये भी कहा था कि दे रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर इशूड बाय द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज इन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस पे उनकी ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी आप देख लीजिए कि उन्होंने बोला क्या था एक्चुअल में। वो बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो मेयरली किसका नाम है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो आप ये याद रखिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये क्यों लगाए गए थे। तो ये भी एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने ये पूछा है, 2014 का क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, ये होगा डीपीएसपी। और मैं आपको बता दूं कि भारत एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस को जो है अपनी डीपीएसपी में, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप से लिखा हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, देखिए आर्टिकल नंबर 51 में हम क्या कहते हैं, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद बिटवीन द नेशंस, टू फोस्टर रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी ऑब्लिगेशन एंड टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेशन। तो इसी को लेके न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अभी अभी दिल्ली में जो है वो सेटअप हुआ है। आपको अगर आप लोगों ने नहीं किया तो करंट अफेयर्स की जो हमारी वीकली सीरीज चल रही है प्रीलिम्स रिवीजन, उसको जाके देखिए, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर क्या है। आर्टिकल 50 की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि सेपरेट जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की। वहीं आर्टिकल नंबर 49 आपकी किस पर डील करता है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। 48 ए कहता है कि एनवायरमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 48 कहता है कि हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वहीं बात करते हैं जब हम चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की, तो ये आ जाता है आर्टिकल नंबर 45 में। 44 आपका जो है वो एंश्राइन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, बीजेपी गवर्नमेंट इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकती है। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल, इनको जितने भी ये प्रोविजन थे इनको रखा गया है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोविजन के अंतर्गत। अब देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी क्लियर डिपिक्शन नहीं है कि डीपीएसपी किस प्रकार से जो है वो डिवाइडेड है, बट जो यूपीएससी के ट्रेंड है, जो उसके क्वेश्चन है, उसमें भी यूपीएससी ने एम लक्ष्मीकांत में भी जो है ये तीन कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड है। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, दूसरा गार्डियन है, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये जितने लिबरल इंटेलेक्चुअल के प्रिंसिपल्स थे वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप इसके जो है इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग बना लीजिए, आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। तो आप ये बताइए कि ये
किसके लिए एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम बताया है, जब दिखाया था तो उस टाइम आपको दिखाया था कि ये किस लिए है, तो आपके पास 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका बेसिक आंसर था कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आइए आगे जानते हैं कि इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो इसमें जो है ये कहाँ आते हैं, ये पार्ट नंबर 4 जिसमें कि आता है आर्टिकल 36 to 51। तो जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने बोरो किया था इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 में जो बना था, और जो कि खुद अपने आप में कॉपीड था कहाँ से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसको डिस्क्राइब करते हैं नोबल फीचर के रूप में। वहीं जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो ये बेसिक भी बना देता है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये पहले मैं बता चुका हूं आपको। और इसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्या डील करता है, इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम से। और इसके अलावा ये क्या डील करता है, टू रियलाइज जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, और जो कि आउटलाइन कहां की जा रही है प्रीएम्बल में। और ये बेसिक नेचर जो कि वेलफेयर स्टेट का है उसको मतलब डिपिक्ट करता है। और ये क्या डिनाई करता है, पुलिस स्टेट जो कि पहले एग्जिस्ट करता था ब्रिटिश एरा में, और एम क्या करता है, एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो ये पिछले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो दोस्तों ये गलत हो जाता है, प्रोविजन है कहाँ है, डीपीएसपी में है। और देखिए दूसरा क्या हो जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू नॉट डिफाइन द बैकवर्ड क्लासेस। तो ये बिल्कुल सही है, बैकवर्ड क्लासेस जरूर है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट क्लियरली डिपिक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, ओनली 2B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। 2006 का क्वेश्चन है। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे डीपीएसपी जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मैं आपको बता चुका हूँ। जो सोशलिस्टिक उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या डील करते हैं, वो ले करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट, और जो है प्रोवाइड करने की बात करते हैं क्या, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और ये जो है एक वेलफेयर स्टेट का रास्ता बनाते हैं। तो देखिए इसके जो बेसिक डायरेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, जिसमें कि जस्टिस आ जाती है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और इक्वालिटीज को जो है मिनिमाइज करना, ये कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 38। इसके अलावा क्या क्या सिक्योर करने की बात की जाती है, टू सिक्योर सबसे पहले की जाती है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, और प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ स्ट्रेंथ अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। आर्टिकल नंबर 39 आपका ये कहता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल नंबर 39A आपका कहता है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड लीगल एड फॉर द पुअर, जो कि आपकी नालसा हैं और जितनी भी ये लीगल सर्विसेज जो आपकी फ्री सर्विसेज आपकी प्रोवाइड करती हैं। वहीं जब हम बात कर देते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 41 की, तो ये कहता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है दूर करना। और आर्टिकल नंबर 42 आपका डील करता है टू जस्ट एनी ह्यूमन कंडीशन इन वर्क प्लेस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें देखिए ये क्या एम करता है, सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री, सिक्योर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1, 2, 3, and 4। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो ये कैसे हो जाता है, देखिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में देखिए आर्टिकल नंबर 38 में प्रमोट करने की बात की गई है वेलफेयर ऑफ द पीपल। वहीं देखिए जो है 39 आर्टिकल में जो है वो कहा गया है कि एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल वर्क। वहीं जो है आर्टिकल नंबर 39 ए जब आता है तो वो फ्री लीगल एड नालसा यहाँ पे आ जाता है। वहीं 41 आर्टिकल जो है वो आ जाता है राइट टू वर्क फॉर एवरीवन। वहीं जब आता है आर्टिकल नंबर 42 तो ये कहता है कि ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। आर्टिकल 43 जब आता है लिविंग वेजेस, ये पूरा मैं आपको पीछे जो है बता चुका हूँ। अब देखिए ये मुझे लगता है कि डीपीएसपी के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पूरे क्लियर हो रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं वो हैं गांधीयन प्रिंसिपल, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अंदर आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 43 के अंदर जो कॉरपोरेशन और कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन प्रमोशन है वो भी इसमें आता है, आर्टिकल नंबर 43B के अंदर जो वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसके अंदर आ जाता है। वहीं फोर्थ जब हम बात करते हैं तो एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ एसटीएससी और वीकर सेक्शन को प्रमोट करना, जो प्रोटेक्ट करना, जो कि आर्टिकल नंबर 46 में है। वहीं आर्टिकल 47 में जो है लिकर का प्रोहिबिशन जो है वो डिफाइन करता है। वह लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबरलिज्म और डायरेक्ट स्टेट, और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 45 इसमें आ जाता है चाइल्डहुड केयर। वहीं जब देखिए जो बेसिकली एक जो जैसे डेवलप्ड नेशन से जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं वो आ जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल में, और जैसे कि एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री और साइंटिफिक लाइन में जो है डेवलप करना और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। आर्टिकल 48A आ जाता है जहाँ पे कि सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आ जाता है। वहीं आ जाता है कौन सा मोन्यूमेंट और उनकी प्रोटेक्शन, सेपरेट एग्जीक्यूटिव और पब्लिक सर्विसेज का सेपरेशन। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51 ये जो है वो आ जाते हैं।
तो 10वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दोस्तों इसमें ऐड किया गया था, कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से प्रोविजंस थे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से नए प्रोविजंस जो है एक्ट किए गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आता है, तो उसमें जो है ओरिजिनल लिस्ट उसको थोड़ा सा अल्टर किया जाता है। इसमें ऐड किया जाता है सिक्योर अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेल्दी डिप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर वर्क आर्टिकल नंबर 39 टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लेबर एट 39A। वहीं ऐड किया जाता है टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यह आता है 43A। वहीं आता है प्रोटेक्ट इंप्रूव एनवायरमेंट ऑफ एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A। और 44th अमेंडमेंट इसके बाद, देखिए 47 के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि स्टेट को ये रिक्वायर करता है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेट एंड फैसिलिटेटेड ऑल पीपल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 38 में। वहीं इसको दोबारा अमेंड किया जाता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, जिसमें आर्टिकल नंबर 45 इंसर्ट किया जाता है जो कि इंसर्ट किया जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल नंबर 21A को जो है, मतलब एक तरफ तो आर्टिकल नंबर 21A जो है फंडामेंटल राइट बनाया जाता है, वहीं जो है इधर ड्यूटी भी बढ़ा दी जाती है कि ये पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजें। वहीं 97th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2011 में, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वॉलेंट्री प्रमोट करना और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक फंक्शन को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो है प्रमोट करना, वो आर्टिकल नंबर 43 जो है 43B जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे मैं आपको बता चुका हूँ और आपकी तैयारी में ये बहुत ही रामबाण साबित हो रहे हैं। तो आइए 11 क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये हो जाता है कि देखिए DPSP तो हो गई रूरल लोकल बॉडी, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन 4 होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो DPSP क्या करता है, वो ये कहता है कि टू प्रोवाइड एवरी चाइल्डहुड केयर फॉर एवरीवन अंडर आर्टिकल नंबर 45। वहीं 5th शेड्यूल क्या एम करता है, 5th शेड्यूल ये एम करता है टू मेक रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल। 6th शेड्यूल आपका क्या डील करता है, पावर ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल और ये सभी चीज़ें, और टू मेंटेन द सोशल जस्टिस एंड ऑल। तो ये बेसिक मुझे लगता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए आज के कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के ओर सीधे सीधे चलते हैं, जिनके ऊपर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे होंगे। तो सबसे पहले आता है नालसा, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। है दोस्तों ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है जो कि बेसिक एम क्या है इसका, फुलफिलमेंट ऑफ DPSP। तो ये आपका कहाँ से जो है लिया गया है, वो आर्टिकल नंबर 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि जो है इंडिया क्या डायरेक्ट करता है स्टेट को, टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू ऑल दो सिटीजन्स जो कि अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबल और जो है डिजीज्ड पर्सन हैं और जो कमाने की कैपेसिटी में नहीं है। तो ये दोस्तों बेसिकली DPSP के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1995 को जो है NSAP गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो है 28 जुलाई को जो है ये अनाउंस कर देते हैं कि जो है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो NSAP क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि कब से चल रही है, 15 अगस्त 1995 से, जो कि इन बेसिक ऑब्जेक्टिव जो कि आर्टिकल नंबर 41 में है जो क्या है, वो है कि जो भी डिसेबल्ड है उसको एक लाइवलीहुड सिक्योर करे गवर्नमेंट। तो ये इनको फुलफिल करने के लिए जो है वो बेसिक एनेक्ट किए जाते हैं। वहीं देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 के बाहर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे क्लेम्स ऑफ ST/SC2 सर्विसेज, तो इसमें जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो कंसिडर किए जाएंगे टू मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आर्टिकल नंबर 335 है पार्ट 4 का पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं देखिए इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग जो है स्टेट का एंडेवियर करेगा कि एवरी जो लोकल लैंग्वेज है अथॉरिटी है वहाँ पे जो है एडिक्वेट फैसिलिटी जो है मदर टंग में दी जाए। यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 350A पार्ट 17th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर इस पर UPSC क्या तिगड़म खेल सकती है, UPSC ये तिगड़म खेल सकती है कि इंस्ट्रक्शन टू द मदर टंग फॉर द ST/SC एंड OBC ये जोड़ देगी, मगर यहाँ पे क्या है इंस्ट्रक्शन खाली ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए, यानी कि शेड्यूल टाइप आएगा यहाँ पर। तो ये याद कर लीजिए कि ST है और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे OBC एक्सेप्शन हो गया, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया SC। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ST के लिए है, SC और OBC के लिए नहीं है। वहीं देखिए डिप्लॉयमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये ड्यूटी है यूनियन गवर्नमेंट की, ये आर्टिकल नंबर 351 ऑफ पार्ट नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं ये नॉन जस्टिफाइबल हैं, और जो जबकि इसमें जो है इक्वल जो है आपको वो दिया गया है। अब देखिए मुझे लगता है कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट जो है ढंग से समझ में आ गए होंगे। गांधीयन प्रिंसिपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से जो है गांधीयन प्रिंसिपल हैं। तो आइए सीधे सीधे ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे बात कर लेते हैं, और उससे पहले कल के सॉल्यूशन ऑफ द डे भी देख लेंगे।
तो कल के सॉल्यूशन देखिए, तो इसका कल का सॉल्यूशन ये था कि द नेचर ऑफ मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन, तो यहाँ पे प्रेम्बल था। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेम्बल क्यों था। इसके अलावा देखिए 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या था, इकोनॉमिक जस्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है ये, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है ये, कहाँ है, ये डीपीएसपी में है। तो ये आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों की स्क्रीन पर।